हेलो फ्रेंड्स, क्या स्वाद है फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे टूटी फ्रूटी केक। इसके लिए हमने एक कटोरी सूजी, आधा कटोरी पिसी हुई चीनी, आधा कटोरी ऑयल, आधा कटोरी दही, 2 चम्मच मैदा, थोड़ी सी पिसी हुई इलायची, टूटी फ्रूटी, काजू बादाम बारीक कटे हुए, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा दूध लिया है। सबसे पहले हम एक बाउल में दही डाल लेंगे और उसे फेंट लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे, इसे भी दही में मिक्स कर देंगे। देखिए, इस तरह से हम ब्लेंडर की मदद से इसे फेंट लेंगे। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। देखिए, इस तरह से पहले हम थोड़ी शुगर डालेंगे, फिर बाकी की शुगर भी ऐड कर देंगे। और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए। और इसे भी थोड़ा थोड़ा डालकर इसे चलाते रहेंगे। देखिए, इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। क्योंकि जितना हम इसे फेंटेंगे उतना ही हमारा अच्छा स्पंजी केक बनेगा। अब हम इसमें मैदा डाल देंगे और इसे भी इस मिक्सचर में मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। बाकी का दूध हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका बैटर बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड किया है और इसे बीच में अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस घोल को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए। देखिए, अब हम इसे एक बार चला लेंगे। देखिए, सूजी भी फूल गई है और इसमें थोड़ा सा खमीर भी उठ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे और घोल को थोड़ा सा पतला करेंगे क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो गया है। इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते रहेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास वैनिला एसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और उन्हें भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और इसे एक बार चला लेंगे। अब हम इसे ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, बस इसे थोड़ा सा ही होकर बस मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने एक पैन में बटर पेपर लगा लिया है। अब हम इस घोल को इस पैन में डाल देंगे। हमने इस पैन को ऑयल से अच्छी तरह से चारों तरफ से भी ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे।
ताकि ऊपर से जिसका कलर अच्छा आए और ये अच्छा दिखे। थोड़े से हम ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। अब हम इसे ओवन में रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ओवन को पहले 5 मिनट प्री हीट कर लिया था। अब हम इसे 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। देखिए 25 मिनट के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। अगर आपका केक कच्चा है तो आप इसे 5 मिनट और बेक कर लीजिए। अब हम इस तरह से इस चाकू की मदद से चेक करेंगे। ये देखिए केक पक चुका है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद इसे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे उल्टा करके इसे एक प्लेट में आराम से निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। अब हम ये बटर पेपर उतार देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कलरफुल कितना अच्छा लग रहा है, हमारा केक तैयार हो गया है। ये देखिए अब हम इसे, ये देखिए मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना स्पंजी बना है। तो जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे केक खाने में भी यह है बहुत ही टेस्टी बना है। जरूर ट्राई कीजिए, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा।